दोस्तों, अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हैं और आप ईपीएफ की पासबुक वाली साइट ना खुलने से परेशान हैं, यानी कि जब आप अपनी ईपीएफ की पासबुक चेक करने के लिए ई पासबुक पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का रिजल्ट शो कर रहा है, जहां पर लिखा आता है दिस साइट कांट बी रीच, या फिर कई तरह के एरर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके बारे में खुद ईपीएफओ ने जानकारी दी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ये अपडेट आपको epfindia.gov.in वाली वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे रेड कलर में स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा इसको आगे आने दीजिए और मैं इसको रोक के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर पासबुक, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। मेंबर पासबुक पोर्टल शेल नॉट बी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल मेंटेनेंस रिलेटेड इशू, यानी कि टेक्निकल मेंटेनेंस जो है यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से ईपीएफ की पासबुक वाली साइट काम नहीं कर रही है, और इसीलिए यह अपडेट ईपीएफओ द्वारा किया गया है, जिससे कि ईपीएफओ के मेंबर बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे ही टेक्निकल मेंटेनेंस हो जाएगी, ईपीएफ की पासबुक लाइव हो जाएगी। और दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था, उम्मीद करूँगा आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आई हो जानकारी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेटेड वीडियोज़ पाने के लिए।